इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे रति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास सौतेली होती है और वो पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाती है। रति छत से सूखे कपड़े उतार कर ले जा रही थी कि तभी उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है, जो किसी तरह चोरी से सुनील की अलमारी खोलने की कोशिश कर रही होती है। अरे, ये माजी को क्या हो गया? चोरों जैसे क्यों आप मेरी अलमारी खोल रही हैं माजी? आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे वाह, क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, पूरा घर मेरे इशारों पर नाचता है, और तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? हट यहाँ से। और वो उसे जोर से धक्का देती है। जैसे ही लक्ष्मी रति को धक्का देती है, उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। रति के आसपास पूरा परिवार खड़ा रहता है। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर जाता है, रति को होश आता है। अरे बेटा, तुम दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ कमला। रति के मुंह से लक्ष्मी सारंग की माँ का नाम सुनती है तो हैरान सी रह जाती है। क्या बोला रति बहू? चुप कर डायन, तूने मेरे पति और बेटे का हाल बेहाल कर दिया, अब तू मेरी बहू को भी गुलाम बनाना चाहती है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लक्ष्मी वहाँ से भाग जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद रति अपने ससुर और पति की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये रति की चाल है। अगली सुबह लक्ष्मी का पति खाना लेकर खेत में जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि लक्ष्मी उसे रोक देती है। अरे कहाँ चल दिए खाना लेकर, आज घर का काम कौन करेगा? तभी पीछे से रति आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। कौन इनको काम पर जाने से रोक रहा है? मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। जैसे ही रति लक्ष्मी की तरफ बढ़ती है, लक्ष्मी घबरा जाती है। मैं तो मजाक कर रही थी बहन, आखिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि घर का काम कौन करेगा। कौन क्या, तू करेगी, चल उठा झाड़ू और शुरू हो जा। लक्ष्मी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है कि अचानक सामने सारंग खड़ा हो जाता है। अच्छा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, रति के मामा की फैक्ट्री है, मैं वहाँ आज से मैनेजर के तौर पर काम करूँगा, सैलरी भी अच्छी है। अरे सारंग, तुझे क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? और बेटा, तू बाहर काम करेगा तो इस बड़े से घर को मैं कैसे संभालूंगी, अभी तो पूरा काम बाकी पड़ा है। तभी वहाँ रति आ जाती है। अरे बेटा सारंग, जा नौकरी पे जा रहा है ना, जा। और हाँ, आते वक्त घर के लिए सब्जियाँ ले आना, ये लक्ष्मी बैठी बैठी मोटी हो रही है, जरा काम भी तो कर ले। सारंग के जाने के बाद, अच्छा लक्ष्मी सुन जरा, यहाँ। लक्ष्मी अपनी बहू रति को सारंग की पहली माँ जो मर गई है वो समझकर उसके पास जाती है। अरे बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वापस आना पड़ा? मैं तो बड़े ही प्यार से इस परिवार को चला रही थी। प्यार से तो मैं बहुत साल से तुझे मजा चखाना चाहती थी, लेकिन किसी औरत का शरीर मुझे नहीं मिल रहा था प्रवेश करने के लिए। अब से ना मैं बहू के शरीर में रहूंगी, और हाँ, तूने कोई भी चालाकी दिखाई या मेरे घर के लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तेरा गला दबा दूंगी। लक्ष्मी रति के मुंह से ये सुनकर डर जाती है और शाम को अपने बेटे और पति के सामने जाकर कहती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी, और बहू तुम मेरी बेटी की तरह हो, बस अब बेटी की तरह ही बनकर रहना। लक्ष्मी उन लोगों को इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देते हैं।